सब भाला से ना मतलब इनका बोलने का अभी हम निकल रहे हैं थार से निकलेंगे और बहुत ही मजा करेंगे तो आप लोग वीडियो बनाए एंजॉय करें ओके यार कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनीष कुमार झा है और आप सभी का स्वागत करता हूं मनीष झा एमजे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को फुल फिर एंजॉय करिए, आज वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं, ये सारे लोग NFA मेंबर हैं, नागालैंड फिल्म एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके तरफ हम जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कार्बी फिल्म्स के मेंबर लोग हमें इन्वाइट किया है पिकनिक पे, हम लोग जा रहे हैं बहुत बढ़िया से मज़ा करेंगे। तो आप लोग वीडियो बने रहे दोस्तों और वीडियो को फुल एंजॉय करें। दोस्तों अभी हम पिकनिक निकल रहे थे तो एक और ब्लॉगर हमें मिल गए हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे उनसे मिलवाने के लिए। बहुत ही उनका बड़ा फैन फॉलोइंग है, लगभग 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमारे नागालैंड डीमापुर से बिलोंग करते हैं। तो चलिए उनसे हम मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं मिलवाने का, चल देखते हैं वहाँ पे हैं। मोटर ब्लॉगर हमारे डीमापुर के नंबर 1 ब्लॉगर हैं और इनका ब्लॉगर एक बार हमारे फैमिली को हाय बोल दीजिए। हाय हाय सब भाला से ना मतलब इनका बोलने का मतलब सब अच्छा है ना। तो इनका भी चैनल है बहुत बढ़िया, मैं इनका चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनका भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जम के शेयर कीजिएगा। ओके थैंक यू। निकल अभी हम निकल रहे हैं थार से निकलेंगे और बहुत ही मजा करेंगे, तो आप लोग वीडियो बनाए एंजॉय करें ओके यार। तो दोस्तों अभी हम थार में बैठ गए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, और हमारे साथ मेरा फ्रेंड बबलू है और हम लोग जस्ट अभी डीमापुर सिटी टावर से निकल गए हैं और कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे अपना पिकनिक स्पॉट पे। तो वीडियो बने रहो एंजॉय करें। वेट किए दोस्तों नागालैंड फिल्म एसोसिएशन से सब लोग यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि सब एक साथ लाइन से निकलेंगे क्योंकि कोविड के कारण और जगह चेकिंग वगैरह भी है, तो एक साथ रहेंगे तो हम लोग आराम से अपना जो पिकनिक का चाहते इंजॉय करके आ जाएंगे। और जो वहाँ पे कार्बी फिल्म एसोसिएशन लोग हैं हमारा वेट कर रहे हैं, मतलब वेट नहीं कर रहे हम लोग का स्वागत के लिए वहाँ पे हैं, तो हम लोग डिसिप्लिन बना कर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये थार का जैसे आप थार का पूरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, अभी हम लोग इस पर बैठेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग मंजा पहुंच गए हैं, तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और हमें आगे चलना है, तो बहुत ही मजा। अभी आप लोग दिखाऊंगा कितना गाड़ियाँ वहाँ जा रहा है। ये तो पहले तो हो गया थार जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद ये डस्टर हो गया। संजय भैया अरे कैसे ठीक है, कैसा है? और संजय भैया हमारे हैं और
एक बार हमारे व्यूअर्स का एकदम अच्छा लगा हमको आज हम एक साथ पिकनिक जा रहे हैं। एट द सेम टाइम भाई आपका क्या था चैनल का नाम? मनीष जैन जे ब्लॉग। वो इनका ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। थैंक यू, हमेशा देखता हूँ और आपको सब्सक्राइब भी कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल। और इनका जो ब्लॉग है बहुत काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो आप मैं इनका भी ब्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर का भरमार कर दीजिएगा। और अगर मच्छी खाना है तो इनका ब्लॉग जरूर देखिए। मैं सब तरह का ब्लॉग करता हूँ, अगर मच्छी का सीजन नहीं है तो जरूर कर लेता हूँ। एंड प्लीज उनको पूरा हेल्प कीजिएगा, एवरीवन मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है उनको ट्राई कीजिएगा। और मैं उनका चैनल को मैं मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका। थैंक यू भैया। ठीक है, जरूर दूंगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, बहुत एंजॉय करें। और अभी दिखाऊंगा आपको कितने गाड़ी हमारे साथ जा रहे हैं, जैसे मैं आपको थार दिखा दिया हूं। और अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे डस्टर है, एक डस्टर भी हमारे साथ जा रहा है, फिर ये कैरेटा है, ये भी गाड़ी है, देख सकते हैं सबका ऊपर NFA का लोगो लगा हुआ, देख सकते हैं नागालैंड फिल्म एसोसिएशन का लोगो लगा है। देखिए ये भी है, यहाँ भी मतलब है, देख सकते हैं आप NFA का लोगो लगा, सब मतलब सब जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। ये मोंजन भैया है, इनके ही गाड़ी पर हम लोग थार में बैठ के आ रहे थे। तो आप कुछ व्यूअर से कहना चाहेंगे क्या? हाँ व्यूअर्स, आप प्लीज़ मेरे भैया के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि क्लिक करने के बाद ही उसका व्यू बढ़ेगा, उसका चैनल बढ़ेगा। और सबके नमस्कार और हाय हेलो एवरीवन। थैंक यू भैया। तो मोंजन भैया ये भी फिल्म एसोसिएशन के बहुत बड़े मेंबर हैं और डीमापुर के सभी लोग, कम से कम 40 हम लोग जा रहे हैं। सब्सक्राइब करना चैनल को, तो सब कोई सब्सक्राइब कीजिए, जैसे भाभी ने बोल दिया है तो भाभी का बात कम से कम मानना जरूरी है कि नहीं? तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा भी कर देना। हाँ, इनका आपका चैनल क्या है, नाम क्या है? याना ऑफिशियल। तो इनका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने लोग से मिल रहे हैं सबका डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। गाइस बैठ गए अभी हम लोग, अब लोग निकलेंगे। बबलू कहाँ गया था? ये बबलू देखिए, इसका हम लोग 10 मिनट से यहाँ वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बंदा है लेकिन इसका काम अच्छा नहीं होता। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉट पे, यहाँ से नीचे जाना हमें। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सबके साथ, पूरे टीम कम से कम 40 या 50 लोग के आसपास है यहाँ पे। और बबलू कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? आके बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे, मैं शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ। या शाम का कौन सा जगह ये? ये कौन सा जगह है आसाम का? ये कार्बी आंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट का जो एक बहुत अच्छा जगह है, लॉन्गसू बोलता है। सभी व्यूअर्स लोग आके यहाँ पे विजिट करिए, बहुत ही बढ़िया स्पॉट है और हम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ढेर सारा झरना भी आपको दिखाएगा, अभी दिखाएगा। ये मुन्ना भैया को देखिए, हेलो मुन्ना भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सब कोई बचपन की यादों में खो गए हैं, मुन्ना भैया, याना और वहाँ सुदीप्तो भैया हैं, हम लोग भी ट्राई करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग भी झूला झूलेंगे, देखो देखो, अरे बाप रे, अरे बहुत ही बढ़िया। बचपन के यादों में खो गए सावन के झूलों ने, जीतपुर
मुझको बुलाया मैं परदेसी घर वापस ना आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, बड़ा टाइम में झूला था, बचपन याद आ गया। तो गाइस जैसा कि आप लोग देखे हैं कि अभी हम लोग झूला झूल लिए हैं, मतलब झूला के ऐसे इंजॉयमेंट किए हैं। और देख सकते हैं हमारे जितने भी NFF का मेंबर है, नागालैंड फिल्म एसोसिएशन का, सब पीछे हैं और सब यहाँ इंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। और जो हमें इनवाइट किए हैं वो भी आ गए हैं। देख सकते हैं जो हम लोग क्लीनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, देखिए मुन्ना भैया पौधों में पानी डाल रहे हैं। तो अभी हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो गया है स्वस्थ भारत अभियान का मिशन। तो देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग नहीं तो कम से कम 200-250 लोग होंगे यहाँ पे, जिसमें से हम लोग 50 लोग दीमापुर से आए हैं। मनीष भाई कैसे लग रहा है अभी डेस्टिनेशन में पहुंच के? हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुझे तो एक और अच्छा लग रहा है कि हमें कितना ग्रीन, चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली है, जैसे तक ग्रीन ही ग्रीन है। और तो सर हमारे साथ NFA नागालैंड फिल्म एसोसिएशन का मेंबर हैं, और सर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं। सफाई स्वच्छता अभियान का एक मिशन है। तो सर आपको यहाँ पर हम लोग क्या मोटो से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं नागामी से बोल दीजिए। तो नागालैंड फिल्म एसोसिएशन और कार्बी आर्टिस्ट फोरम अनन आज पिकनिक जॉइंट वेंचर पिकनिक करी आसे और इतो पार्क के बहे आसे और आम मिला मिली कर फ्यूचर पार्टनरशिप करबले आसे फिल्म इंडस्ट्री खेल ग्रुप तीनटा एसोसिएशन तो मिली के फ्यूचर पार्टनरशिप यूर आज फ्रेंडली एक पिकनिक स्पट ये जॉइन करे और कार्बी आंगलों से इन भल जगते आई कारण आज तो बस खुशी पड़ा ये न्यू इयर भी आना नाम से पिकनिक भी कर और ये बोथ साइड दुटा पार्टी मिला मिली कर सब प्रोग्राम आज ये करबले जमा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर ने हमारा जैसे बोले हैं तो मैं उसको इंग्लिश में हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन करता हूँ। ऐसे मैंने बहुत व्यूअर है, मतलब बिहार यूपी के साइड से हैं, तो उन्होंने तो नागा में समझा नहीं होगा, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। सर बता रहे थे कि हम लोग नागालैंड फिल्म एसोसिएशन और कार्बी एलोंग जो कार्बी फिल्म एसोसिएशन है, दोनों मिलकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं पिकनिक स्पॉट पर। और हम लोग का एक मोटो है कि हम लोग कैसे पिकनिक मना के भी साफ सुथरा यहाँ पे करके फिर अपना घर जा सकते हैं, वही मोटो है सर का। तो सर के लिए सर को बहुत बहुत बधाई बोला जाऊंगा। सर ने रिसोर्ट यहाँ पे एक्टिंग चल रहा है तो गिर गया सर। कैमरामैन हमारे नागालैंड के बहुत बेस्ट कैमरामैन से एक कैमरामैन है टोनी सर, बहुत ही बढ़िया कैमरामैन प्लस डायरेक्टर है फिल्म के, बहुत अच्छे मूवी बनाते हैं। और इनका मूवी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, मिस्टर स्माइल, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी था नागालैंड का। थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम कुछ था, हो गया प्रोग्राम, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वाटरफॉल।
लगता है पुराना आदमी था तो वाटरफॉल चल रहे हैं। वाटरफॉल का नाम क्या था भैया? लांगुकू वाटरफॉल, जो कि हमारे पिकनिक स्पॉट से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पे है। दूरी पे नहीं, और इधर में ही है, दिमापुर रोड में। बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं। जगह का नाम क्या है भैया? लांगुकू वाटरफॉल। ये मांजा से लगभग 10 किलोमीटर अंदर में पड़ता है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ी पहाड़, ऐसा लग रहा है पहाड़ के गोद में हम आ चुके हैं। जहाँ देखिए वहाँ पहाड़ी पहाड़, जहाँ देखें पहाड़ पहाड़। अभी हम चलेंगे वाटर रेनफॉल में, वहाँ जाके बहुत ही मजा करेंगे। तो अरे बबलू भाई क्या लिया? बबलू भाई पानी बोतल? यहाँ का ब्रांडेड पानी बोतल है, ये देखो, नाम नहीं रखूंगा। मनीष भाई को देखो, मनीष भाई एकदम अच्छा से वो कमेंट दे रहा है। और अभी हम लोग वाटरफॉल देखने जाएंगे। अभी बैक कैमरा से दर्शक लोग दिखाते हैं बैक कैमरा। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ये वाटरफॉल है। ये बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ से पहले से। खा लेगा कुछ मांग के? खा लेना क्या? भूख लगा है बहुत जोर से यार। अभी हम लोग जंगल जा रहे हैं, सरवाइव करेंगे। जैसे जहाँ तहाँ खाना ही खाना, और ये खाना देख के मुझे और भूख लग रहा है। लेकिन सुबह से लेके नहीं, अभी तक नहीं नाश्ता वास्ता मिला है, लेकिन खाना नहीं मिला। ये पिकनिक नहीं भैया, तो चढ़ जाएंगे। बहुत ही खतरा जगह है, और मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या था, छोटी मोटी है, इससे बड़े बड़े चट्टानों पर चढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ। हेलो, तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए। अब थोड़ा बजरंग बली का नाम लेना पड़ेगा। जय बजरंग बली, चढ़ जा। अब ये चढ़ना पड़ेगा, क्या बात है, हट बलधामा। अब कहाँ जाना भाई, कहाँ जाना है, चलो। मनीष झा ब्लॉगर। हेलो गाइस, बहुत थक गए चढ़ते जाते। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ी थकावट है, बट कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, क्या संजय भैया है? संजय भैया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन वेन्यू यहाँ रखने से ठीक था ना? हाँ, डबल आना पड़ा हमको। चलिए आगे, थक गए लेकिन ना। वो देखिए वाटरफॉल, हाँ ऐसा चाहत होगा। दोस्तों बहुत थक गए, अभी वहाँ जाना हम लोग, देखते हैं कैसा कुछ। तो हाथ दीजिएगा, अभी संजय भैया का मैं हेल्प लूंगा। इस पर चढ़ना है, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। चढ़ गया कैसे भी। ये रहा वाटरफॉल, देख सकते हैं पानी गिर रहे हैं। अब बंदे लोग कुछ वहाँ भी चढ़े हुए हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है।
चढ़ पाता हूँ कि नहीं, जस्ट ट्राई करूँगा। कुछ साथी तो हमारे वहाँ पे भी चले गए, देखिए वो ब्लैक शर्ट वाले मंजन भाई, मंजन बहुत अच्छा एंकर है, तब हमको यहाँ पर चढ़ना है। दोस्तों चढ़ रहे हैं, बहुत ही कठिन से चढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो चढ़ गया ले जा, चढ़ गया बोल के चला गया। ओए हीरो, तो देखिए पसीना दे सकते हैं आप, इसी से पता कर सकते हैं कितना कठिन हो रही चढ़ने में। हम तो चढ़ गए, ऐसा लग रहा गिर जाएंगे। और संजय, संजय भी अभी चढ़ गए, चढ़ गए, अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर तक जाना है, ऊपर तक जाना है, जरूर देखना है, ऊपर नहीं यहाँ तक जाना है। ऊपर तो 100 साल के बाद जाना है, अभी नहीं जाना है। देख सकते कितना प्रॉब्लम हो रहा है, जरा सा चूकेंगे तो देखिए डायरेक्ट खाई में। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि सब अच्छे से घूम घाम के आ जाएं, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। हमारे कुछ पार्टनर्स वहाँ रह गए हैं जो कि डर से नहीं आए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं वो लोग भी कभी ना कभी आएंगे। कार्तिक भाई, कार्तिक भाई चढ़ गए, सुदीप्त भैया चढ़ गए, और यहाँ पे कमल दादा चढ़ रहे हैं। और देखिए डिमा, ठीक है दोस्तों चढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत ही डरावना है, देखने में डरावना तो नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे आइएगा तो बहुत ही डरावना लगेगा। देखिए बहुत ही तगड़ा रोड है, देखिए कैसे आना पड़ा, पत्थर से पत्थर होके। वीडियो में तो कुछ ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे चढ़ने बहुत डर लगा। देखिए क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, जय बजरंगबली, अच्छे से चढ़ो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, बहुत ही कमेंट जरूर करेंगे। हाँ देख सकते हैं, यार वाह, ऊपर में व्यू तो और तगड़ा है। आप नहाए क्या? नहाए? हाँ, कैसा लगा है? मजा लगा है, मस्ती भैया को बहुत मस्ती लगा है, मस्ती जबरस्ती नहीं करना है। गाइस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हम लोग, नेपाल जाने की बात नहीं, हम आसाम की बात कर रहे हैं। बहुत ही दूर देख सकते हैं, बहुत ही नीचे, वहाँ से लगभग आधा घंटा लगा हम लोगों को आने में। अब मेरे पीछे बेहतरीन सीन देख सकते हैं, बहुत ही गजब का सीन है। दीपक भैया बहुत ही सच बोलने वाला बंदा है। और यहाँ भी उठना दोस्तों, यहाँ पे नहीं जाऊँगा, बस रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जाऊँगा देख सकते हैं आप, जूता पहना हो वहाँ कुछ हो सकता है, जुड़ सकता हूँ, इसलिए नहीं जाऊँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा। सो गाइस ऊपर से उतर गए, देख सकते हैं पसीना है, बहुत ही मुश्किल लगा, तो कोई बात नहीं, मुश्किल का सामना करना तो हर किसी का काम है, मुश्किल का सामना तो किए हैं। अपने बाप थोड़ा पैर तो बहुत ही ख़राब जगह है, और जी बहुत डेंजर सीरीज है। ओ माय गॉड, उतर गए,
चारों जंगल ही जंगल है, बहुत ही खतरनाक जंगल के अंदर ही पार्क को बनाया गया है, वाटरफॉल को बनाया गया है। रास्ता ये है अंकल, कहाँ से रास्ता है? रास्ता जाने वाला ये है ना? अच्छा ये यहाँ पे रास्ता है, मुझे लगा ये पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों। बहुत ही खतरनाक जगह है, तो जूता पहन के बहुत ही दिक्कत हुआ है, बहुत लोग खाली पैर भी गए थे। जो खाली पैर गए हैं वही मज़ा ले पाए हैं, जूता पहन के तो नहीं। अच्छा हुआ ये बारिश का सीजन में तो और ख़तरनाक हो जाता हुआ ये रास्ता, तो बारिश के दिन में तो बहुत बिजली खाता हुआ, मेरे ख्याल से बारिश के दिन में ही बंद हो जाता हुआ ये रास्ता, तो वाटरफॉल ही बंद हो जाता होगा क्योंकि बारिश का सीजन में आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है क्या, नामुमकिन है। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं नागालैंड टीम के साथ, और हम लोग भी कार्मिक फिल्म के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नागालैंड एनएफबी मेंबर, नागालैंड टीम एसोसिएशन और कार्मिक फिल्म एसोसिएशन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा पिकनिक लॉन्च किया था, और उसमें सफाई स्वच्छता अभियान का भी कुछ अहम भूमिका निभाया था सबको मिलकर। कोई बात नहीं, छोटा मोटा छक्का दबाते रहता है। सही बोला, सही, इतना बड़ा झटका तो करना हमारा काम है, अगर इतना बड़ा झटका नहीं सह पाएंगे तो लाइफ में जीने का कोई मजा नहीं आता है। बहुत ही मजा। तो हमारे साथ क्रॉस टीमिंग सर हैं और कार्बी फिल्म्स के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, और इनका वीडियो लगभग 10 फिल्मों में सर काम कर चुके हैं। तो सर के साथ आज दिन भर समय टाइम हम लोग बिताए हैं, सर के साथ बहुत ही मजा आया, बहुत इंजॉय किए, और आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में सर के साथ ऐसा ही मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सर हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, आज बहुत खुश हूँ नागालैंड टीम के साथ, नागालैंड फिल्म एसोसिएशन के साथ मिला है, आज बहुत खुश हूँ। तो हम लोग पिकनिक भी किया हुआ है, आज पूरा वाटरफॉल में गया है, और सब नागालैंड आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है। भैया का बात नहीं, और मेरा नाम है क्रॉस टीमोंग, हम कार्बी आंग्लोंग आर्टिस्ट है, एक्टर एक्टर है, निगेटिव रोल भी करते हैं, पॉजिटिव रोल भी करते हैं, और फिलहाल मेरा अपकमिंग मूवी है बॉलीवुड का अनेक फिल्म का मेरा अपकमिंग मूवी है, और हम लोग का आयुष्मान खुराना के साथ, और उसके बाद मेरा लोकल फिल्म है हम लोग का कार्बी का, अभी 3 फिल्म मेरा रिलीज होने वाला है, लोकल फिल्म का 2 लोकल फिल्म का और बॉलीवुड का 1 अभी अपकमिंग मूवी है मेरा। तो बहुत अच्छा लगा, चलो बाय। तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, भैया का जो अनेक नेक्स्ट मूवी आने वाला है, मूवी का नाम अनेक है, तो उनके साथ आयुष खुराना जी भी उनके साथ रोल करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, हम लोग छोटे स्तर पे भी काम करके हम लोग बड़े स्तर का जाने का इतना ख्वाब रखते हैं, तो जरूर हम लोग भी अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे। आज पिकनिक बहुत ही मज़ा से, खाना पीना सब हो गया है, वाटरफॉल से वहाँ घूम के आ गए थे, फिर वहीं पर लोग आ गए थे। तो आज को वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।